आज हमारे यहाँ हीटर चलाए हुए इस टाइम पे अभी 17 डिग्री है। हालत खराब है। इतने दिनों में नहाने में आज सबसे ज्यादा ठंड लगी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माय लाइफस्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज दिन है बृहस्पतिवार एंड ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। छत पे जा रही हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है, कुछ 7:40 ऐसे बज रहे हैं। छत पे जा रही हूँ, अभी धूप नहीं निकली है। वो दुपट्टा ओढ़ के पूजा तो कर ली, मगर ठंड लगती है तो शॉल ओढ़ ली है। अब देखो नीचे जाके स्वेटर पहनूंगी काम करने से पहले। बात करते करते पहुंच गई छत पे। तो वेडनेसडे एंड थर्सडे का मिक्स व्लॉग है ये। और सीधी ऊपर आ गई हूँ, काम तो सारे मैंने बहुत सारे कर लिए सुबह के जो होते हैं। सो बस यहाँ पे पक्षियों को खिलाने के बाद में उनका जो बर्तन है पूरा मैंने क्लीन किया है। वही काई जैसे जम जाती है ना, और अच्छा पानी उसमें पीने का भर के मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि कबूतर वगैरह थोड़े कम आ रहे हैं, आते हैं बट उतने नहीं आते हैं जितने मैं गेहूँ डालती हूँ तब आते हैं। तो गेहूं बड़े ही पसंद करते हैं और काफ़ी दिनों से मैंने नहीं मंगाए हैं। और सूरज तो निकल गया था मगर धूप नहीं निकली थी। सो एक दो दिन से ज़रा धूप में ज़रा कमी है, बट इसीलिए ठंडी भी थोड़ी ज़्यादा है। धूप आ जाती है तो थोड़ा ठंड में जैसे फ़र्क तो होता ही है। और यहाँ पर मैंने रख दिया पानी भर के, और बस उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट में छत पर थी एंड देन फिर मैं नीचे चली गई थी। और इस वाले व्लॉग में मैंने कुछ भी कुकिंग का शूट किया ही नहीं है। ज़रा पिछले व्लॉग से मैंने आपको बताया है कि काफ़ी बिजी डे जा रहा है मेरा, कुछ रीज़न है। रोज़ ही मुझे निकलना पड़ता है, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। और बस यहाँ आ गई थी मैं नीचे। जा रही बालकनी का गेट बंद करने। हवा इतनी आ रही है कि मतलब आज समझ लीजिए कि इतने दिनों में नहाने में आज सबसे ज़्यादा ठंड लगी है। पानी में मतलब बर्फ़ जैसा पानी एकदम। पानी गर्म करके नहीं नहाओ तो बीमारी हो जाए। सो नीचे आ गई हूँ। सनस्क्रीन अभी लगाई नहीं है, सनस्क्रीन लगाऊंगी, मॉइस्चराइज करूँगी फेस। और चाय पीनी है तो आ जाइए आप सब। जा रही हूँ चाय बनाने। रेस्ट हो गया है अब वॉक पे। सुबह से मेरे साथ के साथ ही उठा हुआ था। एक्चुअली वो मुझसे भी थोड़ा पहले ही उठ जाता है, बट वही है कि इतनी ज़्यादा हवा में ठंडक है इसलिए नीचे लेके गए नहीं, तो अब गया है। जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। और ठंड में अच्छी लगती है गर्म गर्म चाय। सोचती तो हूँ कि 2-3 बार पी लूँ, लेकिन फिर वही है कि कंट्रोल कर लेती हूँ। एक सुबह एक शाम ठीक है, वैसे ठंड में हो ही जाती है ज़रा एक आध ज़्यादा। जा रही हूँ किचन में। ये निकल गया है, ये जो दिवाली में लगाया था ये किचन का ही निकला है। और मेरे रूम के बाहर में जो ये लगा है वो तो इतना गंदा सा लग रहा है, अब उसको निकाल दूँगी। और ये कितने आए थे मैंने आपको शायद प्राइस उस टाइम बताया था, शायद 50 रुपये के 2 थे, कुछ इस तरीके से थे। काफ़ी दिन चल गए और अब एस्ट्रो की नज़र है इस पर काटने के लिए। बस अब पहले चाय बनाऊं और उसके बाद एस्ट्रो को खाना दूंगी, फिर मैं भी मेडिसिन वगैरह लेके नाश्ता करूं, फिर मिलती हूँ आपसे। सो चाय चढ़ाने के बाद में मैंने सबसे पहले खाना दिया है एस्ट्रो को।
और उसके बाद एज सच मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और मैं निकल गई थी जरा बाहर काम से। कलकत्ता में आपको पता है, कलकत्ता अभी बज रहे हैं वैसे 9:35 रात के। आज हमारे यहाँ हीटर चलाया है, इस टाइम पे अभी 17 है यहाँ पे। चालू हो गया, 17 है अभी यहाँ पे, आज हीटर चल रहा है। बाहर से आई हूँ मैं 9:15 ही अंदर, अरे 9:15 ही मैं आई हूँ और अच्छी खासी ठंडी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो जो टोपी ओपी पहन के नहीं जाते वैसे जाना चाहिए था, और शॉल पूरा मैं सर से ओढ़ के और स्वेटर वगैरह पहन के गई थी। तो कलकत्ता में अगर स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि अच्छी ठंड है, क्योंकि पिछले साल बिल्कुल नहीं पड़ी थी ठंड अच्छी। ये भाई साहब आ गए, अरे मुझे नहीं खेलना है, मेरे को नहीं खेलना है, देखो जबरदस्ती है, गेम इतना बेकार वाला खेलता है ये। देखो ये इसने मुंह में ले लिया है अपना ये खिलौना, अब इसको हम लोग छीनेंगे और ये छोड़ेगा नहीं, यही इसका गेम है। चल जा, अब मैं सोऊंगी, चल। चलिए 9:35 हो रहे हैं, आपसे बात करते करते थोड़े से ऊपर हो गए, थोड़ा मतलब 9:30 के बीच में ही थी सुई। अब सो रही हूँ और जल्दी सोऊंगी तो जल्दी उठ जाऊंगी। गुड नाइट। सो मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि आज थर्सडे की मॉर्निंग। सो स्वेटर पहना है सबसे पहले, उसके ऊपर भी मैंने शॉल ओढ़ ली है, और मेरा एस्ट्रो मेरे साथ में उठा हुआ रहता है, ये मुझसे भी पहले उठ जाता है। बट वही है कि ठंडक रहती है, इतनी ज़्यादा ठंड रहती है तो फिर इतनी जल्दी मैं इसको नहीं भेजती हूँ नीचे, और इसको तो इतनी ठंड लगती है ना कि कंबल में ही बैठा रहता है। फॉग है अभी अच्छा खासा, जब मैं शाम को निकली थी ना बाहर तब भी बहुत अच्छा खासा कुहासा था, और ठंडी पड़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो सिर्फ गर्मी गर्मी पड़ती है, ठंड में ठंड नहीं पड़ती है, तो इससे और ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। बट इस बार थोड़ी पड़ी है, कलकत्ता में बहुत ज़्यादा ठंड तो पड़ती नहीं है। अब उनका मैं सोचती हूँ कि आप लोग जैसे बताते मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि आपके वहाँ पर 2 है, 3 है, 10 है, तो यहाँ तो उतना टेम्परेचर नहीं गिरता है, बट हाँ 10 तक गया है इस बार रात को, बिल्कुल जैसे 2:30 जैसे हमने देखा है। और जहाँ 3-5 है तो वहाँ तो और ज़्यादा ठंड से हालत ख़राब है। सो ख्याल रखिए अपना भी और अपनों का भी, क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है। कल मैं शाम को निकली थी, इतनी ठंडी लग रही थी, अभी भी मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, स्वेटर के ऊपर मैं शॉल ओढ़ी हुई हूँ। ज़रा सा रुक के नहाऊंगी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा है, वैसे गीज़र है, बाकी जब तक काम वगैरह है सुबह के तब तक और थोड़ा टाइम हो जाएगा। एस्ट्रो आ गया है, स्ट्रेचिंग हम ही लोगों को पकड़ के कर लेता है, ये खड़ा आ ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। और एस्ट्रो को इसी तरीके से मैं एक दिन में कम से कम 2-3 ये ग्रिल पे खड़ा करके थोड़ी देर इसको ये रोड देख लेता है, नीचे देखता है तो उसी में खुश हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार नीचे नहीं ले जाया जाता है। हाँ, एक दिन में 2 ये वॉक पे जाता ही है, और थोड़ी देर बस बैठ के घर के काम वाम करके उसके बाद यहाँ पर नहा ली थी, और फिर वही मैं पूजा करने जाऊंगी। उससे पहले प्लांट्स की जो खिड़कियां हैं, अभी मैं क्या बताऊं कि जो तुलसी का पौधा है ना, वो जैसे कि उसमें शायद वो फॉग जो होता है, ओस गिरती है ना, तो उससे मुरझा सा जाता है, सो बिल्कुल मुरझा सा ही गया है। और रखती तो मैं यहीं पर हूँ, धूप भी अच्छी लगती, पता नहीं वो ओस की वजह से होता है। और सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बृहस्पतिवार का दिन था, सो मम्मी तो मंदिर से होकर आ गई थी, तो उन्होंने ये पूरा तुलसी का माला और गुलाब के फूल, आज मेरे पास बहुत सारे आ गए, कमल के फूल भी, सो पूरा ही मंदिर एकदम फूल चढ़ाने से और भी ज़्यादा जगमग जगमग करने लग गया। सो ढेर सारे गुलाब के और कमल के फूल मम्मी आज लेकर के आई थी,
सो पूरा मंदिर मैंने सजाया है और उसके बाद मैंने की है आरती। और इस टाइम तक पूजा करने के बाद मैं छत से होकर आ गई थी। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। उसके बाद कहीं जाके मैं किचन में गैस वगैरह जला के काम करती हूँ। तो ये सब मैं रोज़ ही करती हूँ, इसके बिना मैं खाना बनाने नहीं जाती हूँ। और कुछ ये सब भी रीज़न रहते हैं तो इनसे भी स्किन अच्छी रहती है। तो किचन में जाने से पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज ज़रूर किया कीजिए। इससे थोड़ी सी बस बैठ के मैंने बातचीत की है, सुनता है बैठ के जो मैं बोलती हूँ। उसके बाद मैं फिर से आई हूँ किचन में, मैंने बोला कि तू बैठ, मैं चाय चढ़ाऊँ, उसके बाद तेरे को मैं खाना दूँगी। मेरा रोज़ का ही ये काम है कि मैं चाय चढ़ा देती हूँ, फिर बाकी के काम मैं बाद में करती हूँ, पहले इसको मैं खाना दे देती हूँ। बोल तो पाता नहीं है बट इसके फेस से मुझे समझ आ जाता है कि इसको भूख लगी है। सो एक लीटर दूध पूरा ही चढ़ा दिया था मैंने और इसी में से थोड़ा निकाल के मैंने चाय के लिए दूध चढ़ाया है। और मेरा जो सूखा आटा का डब्बा है ना पलोथन का, वो भी पूरा जैसे चटक सा गया है तो मैंने डब्बा चेंज कर दिया है। सो बस ये सब छोटे मोटे काम करती रही, उसके बाद कहीं लगी हूँ लंच में। तो बस चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो में आपको कुछ भी ज़रा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।